जब घर में बहू नाराज हो जाती है तो मायके चली जाती है, फिर जब पति मनाता तो फिर वापिस आता है। नीतीश कुमार जी की हालत वही है। यार नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब उनको ये लगता है किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो कभी वो लालू जी के सहारा पकड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी लालच, इंटरनल लालच कुछ बढ़ता जाता है। आप देखेंगे बड़े बुजुर्गों। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलनशील है। आप सोचिए क्या है, नीतीश कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन में अभी तक तो हैं, अब पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बड़ा असमंजस की स्थिति उनकी तरफ से हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में। यही लोगों से बात करेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर लोग सोचते क्या हैं। आपको पता ही है ना, नीतीश कुमार जो हैं वो इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी वाला जो गठबंधन है उसमें जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा आगे ये लोगों से पूछते हैं, वो क्या सोचते हैं। नमस्कार जी, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे नहीं रहेंगे? यहाँ पे प्रश्न जो आपने किया है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर नीतीश कुमार बैक टू पवेलियन यानी कि इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनके जो इस समय मेन जो घटक बचे हैं उसमें एक तो कांग्रेस है, एक है सपा और बिहार में है आरजेडी, ठीक है। क्या कांग्रेस और आरजेडी इनको वापस अपने पास उस फोरा में ढोने के लिए तैयार हो जाएगी अगर ये बैक भी करते हैं तो? अच्छा, अभी तक तो ऐसा था कि एक बड़ी पर्सनालिटी लग रहे थे इंडिया गठबंधन के, वो लोगों को लग रहा था कि वही बनाए हैं, वो पीएम के उम्मीदवार तक लोग समझ रहे थे उनको, तो एक हो क्या गया, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, अब मैं एक बात ऐसी कहूँगा कि जो शायद आपके भी गले ना उतरे और जो आप अपने दर्शकों के सामने पेश करोगे वो भी ना उतरे। जब से कोरोना काल लाया गया है, ये थोपा है, पूरे विश्व पे थोपा गया है कुछ कंट्रीज द्वारा मिलके, अब उसके बारे में और गहराई में हम बात नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से छू रहे हैं। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन हुआ है और वैक्सीनेशन के बाद जिन्होंने दो दो वैक्सीन लेने के बाद बूस्टर डोज भी लगवा लिया है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अगर 50 प्लस रहे हैं उस दौरान तो उनका मानसिक, शारीरिक, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है ड्यू टू दिस कोरोना वैक्सीन एंड बूस्टर, जो कि मुझे लगता है नीतीश कुमार ने दोनों के दोनों ही ले रखे हैं। आप गजब बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि वो मानसिक स्थिति अपनी खो चुके हैं। जी ये उनके साथ ही नहीं है, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जो 50 क्रॉस कर चुका है उसने अगर अभी तक तो लोगों का आरोप था कि दिल कमजोर हो रहा है, हार्ट फेल हो रहे हैं, आप तो अलग आरोप। चलिए फिर से आता हूँ मैं, आखिर आपको क्या लगता है खाली मानसिक रूप से उनको दिक्कत है क्या, क्या या तो कुछ और ईडी वीडी का भी कुछ डर दिखता नहीं, है? नहीं, उनको देखिए ईडी का डर नहीं है, उनकी एक छवि रही है, साफ सुथरी छवि रही है, ईमानदार नेता की छवि रही है, नीतीश बाबू के नाम से वो जाने जाते रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर ईडी का कोई दबाव नहीं है, या ईडी जैसा दबाव तो बीजेपी उन पर कोई मतलब खड़ा कर ही नहीं सकती है, वो तो निराधार है। अब रहा है कि जिसे जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी लालच, इंटरनल लालच कुछ बढ़ता जाता है। आप देखेंगे बड़े बुजुर्गों को देखेंगे, वो जो अपनी जवानी में थे या अपने अधेड़ता में थे तो वो चीज़ों को बाईपास कर फाइनल आते हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या दिखता है आपको? आने वाले समय में तो ये है कि इस समय बीजेपी का अपर हैंड है, ठीक है, और बीजेपी जैसे बीजेपी ने महमूदा मुफ्ती को मोहरा बनाकर J&K में शासन प्रशासन में अपनी एंट्री की थी, ठीक है, और उसके बाद एकदम से पलटा दे के और J&K को तीन हिस्सों में बांट दिया, दो यूनियन टेरिटरी, तीन यानी यूनियन टेरिटरीज बना दी, यानी कि
उसी तरह से इस समय बीजेपी नीतीश बाबू पे हावी है और नीतीश बाबू की मजबूरी है कि अगर उनको जो बचा खुचा उनका पॉलिटिकल कैरियर है बचाना है तो उनको बीजेपी की शरणागत होना ही पड़ेगा बीजेपी की शर्तों पे। क्या इंडिया गठबंधन में रहेंगे कि एनडीए में चले जाएंगे? देखिए अभी जो टीवी चैनल वगैरह या जन सूचनाओं से जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले जाएंगे, उसी के साथ गठबंधन करके अपना। कैसे, क्या 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 दिख गया उन्हें, फिर से क्या दिख गया उन्हें, वजह क्या? कुछ नहीं गया, नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं तो अब उनको ये लगता है किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो कभी वो लालू जी के सहारा पकड़ लेते हैं, तो वो जब देखते हैं कि लालू जी का नैया खुद डूब रहा है तो अब बीजेपी का सहारा पकड़ लिए, तो ऐसे में अब वो राजनीति लायक रहे नहीं, अब उनको किसी सहारे की ज़रूरत है। जब राजनीति में किसी सहारे की तलाश शुरू हो जाती है तो उसका अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है, जैसे मायावती का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इस तरीके से सहारा जब आदमी ढूंढने लगता है तो वह फिर नेता नहीं रह जाता। तो नीतीश कुमार जी की कंडीशन आजकल यह दिख रही है कि अब उनको सहारे की ज़रूरत है, अब उनको राजनीति की ज़रूरत नहीं है, अब उनको राजनेता बनने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेहतर यही होगा कि संन्यास ले लें। देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में पूरे देश को मालूम है, बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान, हम लोग खैर उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ख़ास करके एनडीए गवर्नमेंट को, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को ये लगा कि अगर बिहार को नहीं डिस्टर्ब किया गया तो वो महाराष्ट्र वाली स्थिति में ले जाना चाहते हैं। इसके पहले मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की योजना थी, आयन वक्त पर वहाँ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से आए और इनकी पार्टी को उन्होंने बचाया और वहाँ से नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं? अब देखिए ईडी और जो सीबीआई इनका है वो कहीं न कहीं मतलब इनको धौंस दिखा रहे हैं और उनको खतरा हो गया है। लालू को भी तो दिखाया गया लेकिन वो तो नहीं टूटे। लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है वो लड़ाकू है, वो चूंकि जयप्रकाश नारायण डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं वो डरने वाले नहीं है ईडी सीबीआई से और ना नरेंद्र मोदी अमित शाह से डरने वाले लोग हैं, वह लोग तो लड़ाकू हैं। वो देखिए उन्होंने एक दिशा दिया जहाँ एक तरफ से धर्म और जात की राजनीति हो रही है, उन्होंने रोजगार देने का जो काम किया बिहार के अंदर उन्होंने 400,000 रोजगार दिया है जिसमें हम समझते हैं 20,000 से लेकर 30,000 नीतीश तो कहते हैं उन्होंने दिया है। ये तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं ये उनकी पहल है, ये उनका प्रयास है, 400,000 लोगों को नौकरी उन्होंने दिया है। नीतीश कुमार का आपको क्या दिख रहा है आगे? अब देखिए नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं, जो 8-8 बार मुख्यमंत्री रहे हों, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हों और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों और वो तमाम समाजवादियों से लेकर के अभी एनडीए गठबंधन में रहे हैं और उनके बारे में वो कब पलटी मार जाएंगे, कब क्या करेंगे उनको खुद ही नहीं मालूम है। हमें लगता है उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है और बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा आरएसएस और जनसंघ है और केंद्र की सरकार उनको कहीं न कहीं उलझा रही है, लेकिन वहाँ तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जैसा मतलब जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विकास के रास्ते पर ये सरकार चले और वहाँ प्रभावित ना हो। देख लीजिए इनका भी कहना है, नीतीश कुमार के मानसिक स्तर के बारे में इनका भी कहना है, दो लोग मिल गए। अब आप ये बताइए नीतीश कुमार का आपको क्या लग रहा है? क्या आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का असमंजस लग रहा है, कभी लग रहा है इंडिया में ही रहेंगे, कभी लग रहा है कि एनडीए में चले जाएंगे। अभी नीतीश कुमार जी के तरफ से या इंडिया गठबंधन के तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, मीडिया केवल कयासबाजी कर रही है। अभी नीतीश कुमार जी कहीं नहीं गए हैं, जब तक वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं तब तक हम लोग उनका सम्मान करते हैं, वो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं में से थे और यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह बंद है क्योंकि वहाँ एक आदमी राज कर रहा है वही करेगा, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे, जब वो पूरे भारतीय जनता पार्टी नेताओं को निपटा दिए
चाहे शिवराज हों, रमन हों, वसुंधरा राजे हों, सबको निपटा दिए, तो वहाँ कोई भविष्य नीतीश कुमार जी का नहीं है। और अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जब तक औपचारिक बयान ना आ जाए। भैया देखिए, जब घर में बहू नाराज हो जाती है तो मायके चली जाती है, फिर जब पति मनाता तो फिर वापिस आता है। नीतीश कुमार जी की हालत वही है, अब मायके गए हैं पति से नाराज होकर जो उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, और फिर वहां से नाराज होंगे फिर आएंगे। और नीतीश कुमार इस देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल में 2-2, 3-3 बार शपथ लेते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए एकलौते। और बिहार का दुर्भाग्य देखिए, वहाँ हर जगह सत्ता बदलती है, विपक्ष बदलता है। बिहार में 15 साल तक सत्ता में एक ही आदमी काबिज है, हर 6 महीना, हर 3 साल में विपक्ष बदल जाता है। लालू के बेटे आज सत्ता में थे, 2-3 दिन बाद विपक्ष में चले जाएंगे, यही बिहार का दुर्भाग्य है। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इनको नहीं करना चाहिए। देखा आपने लोगों ने क्या बोला, सीधे तौर पर आपने सुना लोगों ने क्या कहा। आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।